हेलो हेलो, नमस्कार। मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर क्या है, हम आपको बताते हैं। गुंडा के बाद अब उत्तर प्रदेश में अपनी एक जबरदस्त धाक बनाने की कोशिश में जुटे निर्दलीय विधायक राजा भैया ने हाल ही में नवाबों के शहर लखनऊ में जबरदस्त तरीके से अपनी राजनीतिक मंशा का खुलासा किया। उनकी इस रैली में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वहीं सबसे बड़ी बात तो है कि राजा भैया की अगर वेशभूषा पर गौर फरमाया जाए तो अपनी राजपूती शान में वो नजर आए। चश्मे से लेकर उनका पहनावा राजनेता के तौर पर ही था, मगर उनकी पगड़ी भगवा कलर की थी। बीजेपी भी भगवा के नाम पर वोट बटोरती है और भगवा के नाम पर पार्टी की छवि है, तो वहीं राजा भैया के सर पर भगवा पगड़ी साफ बयां कर रही है कि वो पर्दे के पीछे भाजपा का ही साथ दे रहे हैं। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा चुनाव से पहले डरी हुई है कहा था। वहीं पीएम मोदी के हिंदुत्व वाले सवाल पर जवाब देते हुए मनीष ने कहा, किस प्रकार के हिंदू हैं कि हिंदुत्व की नींव को नहीं समझते। वहीं मनीष का बयान सुनने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुत्व को सीखने के लिए कभी राहुल गांधी के पास नहीं जाना पड़ेगा। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा जोर शोर से हो रही, वो मुद्दा है धर्म का, जाति का। जिस तरह की राजनीति हो रही है उसे देखकर तो एक ही सवाल सामने आ रहा है, क्या हमारे देश में अब धर्म पर ही राजनीति होगी। आखिरकार उन बेरोजगार लोगों के बारे में आज चर्चा क्यों नहीं हो रही है जिन्हें रोजगार नहीं मिला। किसानों की परेशानी पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है। युवाओं पर बात क्यों नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो नेता अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं और चुनाव को देखते हुए अपना फायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कहा था कि बजरंगबली दलित हैं, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया था। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने बजरंगबली को जनजाति बताया था। वहीं अब इस मामले में योग गुरु बाबा रामदेव का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ब्राह्मण थे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस ने देश को 3 गांधी दिए हैं और बीजेपी ने 3 मोदी। आपको बता दें, कुछ समय पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं पूरी कोशिश ये है नवजोत सिंह सिद्धू की कि वो मोदी सरकार को किसी भी तरीके से घेरे। आपको बता दें, बीते दिनों जिस तरीके से प्रचार प्रसार करने नवजोत सिंह सिद्धू मध्य प्रदेश गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। मध्य प्रदेश में बीते 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन गौर करने वाली बात तो है कि चुनाव के बाद कांग्रेस ये दावा कर रही है कि प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जो कि गलत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से ईवीएम मशीन का मामला सामने आया है और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बातें देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कुछ समय पहले भी कांग्रेस ने ईवीएम मशीन का मामला उठाया था। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ईवीएम मशीनों के साथ बीजेपी गड़बड़ घोटाला कर रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि सरकार की मंशा गलत है, क्योंकि सरकार गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि आखिरकार ईवीएम मशीन में गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, अन्ना हजारे ने कहा अगले साल 30 जनवरी तक लोकपाल नियुक्त नहीं होता है तो अपने गांव में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ से लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने और बेहतर तरीके से ज्यादा कमाई की है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन सिंगर निक जॉन्स के साथ बीते दिनों ईसाई रीति रिवाज के साथ शादी की। वहीं आपको बता दें, शादी के बंधन में बंधने से पहले निक और प्रियंका ने एक शानदार फोटो शूट करवाया था। शादियों के इस मौसम में राखी सावंत को भी शादी का बुखार चढ़ चुका है। उन्होंने अपने लिए लड़का भी पसंद कर लिया, जिसका नाम है दीपक कलाल। दीपक कलाल यूट्यूब सेलिब्रिटी हैं। दीपक के कॉमेडी वीडियो यूट्यूब पर काफी पॉपुलर होते हैं। बीते दिनों दीपक को इंडियाज गॉट टैलेंट में कॉमेडी करते हुए देखा गया था।